आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लूप, और लूप में हम बात करेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर आपको लूप एक तो पूछता ही पूछता है, साथ में लूप से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि कॉमनली पूछा जाता है पिरामिड बनाने का, कुछ इस तरह का कि मैं वीबीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के थ्रू से इस तरह का पिरामिड बनाना चाहता हूँ। और जैसे कि मैंने बता दिया है कि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है, हमारे रियल लाइफ में इसका कोई खास यूज नहीं होता है, लेकिन हाँ इसको अगर आप इंटरव्यू वगैरह फेस करते हैं तो इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो मुझे इस तरह की चीजें बनानी है वीबीएम प्रोग्रामिंग से। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे रो एंड कॉलम दो मेथड चल रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही क्लासेस में बताया था। इसमें पांच रो है, कॉलम फिक्स नहीं है, लेकिन कॉलम में एक पैटर्न है कि अगर रो पहली चल रहा है तो एक कॉलम एक ही बार चलेगा, अगर रो दूसरा चल रहा है तो कॉलम दो चलेगा, अगर रो तीसरा चल रहा है तो कॉलम तीन चलेगा, एंड यहाँ पे है तो चार एंड पांच। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? और I इक्वल टू मैं करता हूं 1 2 5 एंड 4 J इक्वल टू चलेगा 1 2 I, नेक्स्ट J होगा क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, नेक्स्ट I, समझ गए। और यहां रेंज होगा ए के साथ हमने नहीं रेंज नहीं, यहाँ पे हम सेल करते हैं सेल्स आई कॉमा जे डॉट वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टर कॉमा स्टार। अब इसको प्ले कीजिए, आप देखेंगे इस तरह का बन गया। समझाया सर? ते प्रोग्राम समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे इसको उल्टा करना है। उल्टा मतलब कि यहां से ये वन हो और फिर वन एंड यहाँ पे हमारा टू हो, फिर वन टू थ्री, इस तरह का चाहिए। क्योंकि हम पिरामिड बनाने की बात कर रहे थे तो हमने अभी तो हाफ ही पिरामिड बनाया है ना, तो फर्स्ट हाफ तो बना लिया, फिर सेकेंड हाफ हमें बनाना है क्या सर? तो फर्स्ट हाफ मुझे इस तरह से बनाना है। तो बात तो सेम है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे नहीं रखू, मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। पहले में यहाँ पे आया, दूसरे में यहाँ, इस तरह से। तो प्रोग्राम हमारा सेम रहेगा, मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। प्रोग्राम हमारा सेम रहेगा, और यहाँ आई जे, तो जे में मैंने बोल दिया 6-1, समझ गए, 6-1 हमने कर दिया। अब देखिए, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा पिरामिड है, ये हमारा रो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। मैं रो नंबर 1 से नहीं, हमारा जो है 6 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसमें हम J में 5 प्लस कर देंगे और इसी लाइन को उठाते हैं, यहां पर रख देते हैं। ठीक है, अब मेरा पिरामिड बन जाएगा। बन गया सर पिरामिड? उपेश जी, तेजेंद्र जी, विशाल त्यागी जी, हाँ जी हाँ जी, कोई डाउट इसमें?
विशाल त्यागी जी अपना ईमेल आईडी मुझे भेजिएगा ग्रुप में। हाँ जी, ओ कल बात हुई थी ना हमारी, सर ठीक है मैं भेजता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्लास भेज दीजिए, मैं क्लास के बाद आपको दे दूंगा। ठीक, तो ये पिरामिड बनाना आप सीख गए, हालांकि एक ही दो अलग अलग हुआ लेकिन हम यहीं पे एक ही हो गया, एक ही कर दिए, तो ये हमारा पिरामिड बना देगा। अब यहाँ पे अगर पिरामिड के जैसा ही मुझे कुछ और करना हुआ, जैसे कि मैं अपना नाम लिखना चाहता हूं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरा नाम जो है यहाँ पे SUJEET सुजीत है, तो ये घटते हुए क्रम में लिखे SUJEET, SUJEET एंड SUJEET। इस क्रम में लिखना है, चलिए। चलिए इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट RR/2 और मैं यहाँ पे देता हूं कि dim R as a string। और फिर R पे हम लोड कर देते हैं जी, और मुझे कहाँ ऐड करना है, मान लीजिए कि हमें ऐड करना है और M कॉलन में। अब यहाँ पे लूप चलेगा कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 लेन R और फिर नेक्स्ट I। अब मैं यहाँ पे करता हूं रेंज M 65,000 एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू मिड। और मिड में हो जाएगा हमारा R, I स्टार्ट फ्रॉम 1, I नंबर ऑफ कलेक्टर I। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूं, परफेक्ट है सर? हेलो, हमने सिंपल सा बोला कि मिड में हमने बोला कि R से चलो और पहले नंबर से जितना आई है उतना करेक्ट उठाओ, तो पहले बार में एक करेक्ट उठाएगा, दूसरे बार में दो करेक्ट उठाएगा, तीसरे में तीन करेक्ट उठाएगा, चौथे चार, ऐसे ही लेन तक जाएगा और एक एक करके चला जाएगा। ठीक है, जैसे एरे फॉर्मूला मैंने बताया था ना कि अलग अलग करेक्टर अलग अलग सेल में लिखना, तो उसमें हमने मिड यहाँ पे हमने क्या किया था, आई लिखा था और यहाँ पे 1 था, तो हमने इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया। ठीक है सर, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ देते हैं, कुछ क्वेश्चंस। और ये इसमें लेन क्या काम कर रहा है, लेन लूप कितना बार लूप चलना है लेन ही बताएगा ना,
तो जितना नंबर ऑफ करेक्टर होगा उतना ही चलना है ना सर नाम में। अच्छा अच्छा तो यहाँ पे हम अब इसमें क्या है कि हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इसमें। चलिए मैं इसको कॉपी करके होम पे आता हूँ, पेस्ट एज ए पिक्चर करता हूँ। तो पहली क्वेश्चन ये है कि मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, इस तरह का बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर टू की इसी का उल्टा, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर थ्री उल्टा। ये क्वेश्चन नंबर टू है हमारा एंड क्वेश्चन नंबर थ्री। अब इसमें ध्यान रखिएगा सर कि हमने जो पिरामिड दिया था इसमें देखिए दो लाइन है, दिख रहा है ना सर आपको, मिडल लाइन दो है ना, इसमें मिडल लाइन एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। और जैसे नाम हमने यहाँ पे सीधा है हमारा, इसको भी आपको उल्टा करना है। ये चीजें आप सर बनाइए, उल्टा सर ये हो गया सर, मतलब कि इस तरह से होना चाहिए कि सुजीत SUJEE 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 SULS, ठीक है सर, इस तरह का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका। साल जी आपने भेज दिया मुझे ईमेल आईडी अपनी? सर व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप पे भेजिए। तो आप लोग भी अपने अपनी ईमेल आईडी भेजिए मुझे। बेसिकली मैं वीवीए का कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त रहेगा क्योंकि सर ये हमारी